माँ शारदा दुर्गोत्सव समिति शास्त्री नगर कैंप वन द्वारा क्षेत्र में लंबे समय पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता रहा है। इस वर्ष भी इसी प्रांगण में जन कल्याण की कामना लिए भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग के रूप में स्थापित किया जा रहा है, जो 21 अगस्त को महारुद्राभिषेक के साथ संपन्न होने जा रहा है, जिसके लिए रविवार को क्षेत्र में कलश यात्रा निकालकर क्षेत्रवासियों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया। रविवार को माँ शारदा दुर्गोत्सव समिति शास्त्री नगर सुपेला द्वारा विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन के तहत 21 तारीख को होने वाले भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होने का न्योता शहरवासियों को दिया गया। कलश यात्रा में हर उम्र की महिलाओं ने हिस्सा लिया और खाली पैर सर पर कलश उठाकर क्षेत्र का भ्रमण किया। शास्त्री नगर के मध्य जहां विगत कई वर्षों से माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर उनकी आराधना की जाती है, उसी प्रांगण में भगवान भोलेनाथ को स्थापित किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष एवं क्षेत्रवासियों ने बताया कि भगवान भोलेनाथ की स्थापना जन कल्याण के उद्देश्य को लेकर की जा रही है, साथ ही 21 अगस्त को विशाल भंडारा भी किए जाने की जानकारी समिति अध्यक्ष एवं सचिव उमेश पटेल ने उपलब्ध कराई है। यहाँ पे कलश यात्रा इसलिए निकाला गया है कि हम लोग अपने मंच के पास में जो 29 साल से दुर्गा विस्थापन होता था, वहाँ पे हम लोगों के द्वारा वहाँ पे शिवलिंग का रुद्राभिषेक और व्यवस्थापन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसका पहला आज है जिसमें कलश यात्रा निकाला गया है। 21 तारीख को रुद्राभिषेक किया जाएगा और 22 तारीख को वहाँ पे भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है, जो हमारे मोहल्ले और देशवासियों के लिए और उसके लिए शुभकामनाओं के लिए संकेत है। बाबूराम जसवाल, आपका ये शास्त्री नगर के निवासी हम लोग, और माता जी के प्रांगण में भगवान भोलेनाथ का स्थापना कलश यात्रा हम पूरी नगर को भ्रमण कराते हुए लेके आ रहे हैं, और माता जी के स्थान के साइड में ही भोलेनाथ का स्थापना का अनुग्रह रखा गया है। और यहाँ पर 3 दिन का प्रोग्राम है, 20, 21, 22 तारीख को भंडारा, कल 21 तारीख को कान उनका रुद्राभिषेक किया जाएगा और 22 को उनका भंडारा किया जाएगा। यही अपना क्या उद्देश्य है बाबा भोलेनाथ के साथ? बाबा भोलेनाथ सब वासियों का क्या नाम है कल्याण करे, ही हम लोगों की इच्छा है। नगरवासी सब खुशहाल रहे, क्या नाम है इसका देश हम लोग क्या नाम है ये पैर उठाए हैं यहाँ पर। गौरतलब है कि इस वक्त सावन का पवित्र महीना चल रहा है और कहते हैं कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से मन चाहे और विशेष फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में जन कल्याण की भावना को लेकर भगवान भोलेनाथ की स्थापना करने से क्षेत्रवासियों और भिलाई वासियों को विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति भी होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।